नमस्कार दोस्तों, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा कैप डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। ये कैप 5 से 6 साल की बेबी के सिर में आसानी से आ जाएगा। और इसे मैंने 10 नंबर की सिलाई पे बनाया है और 84 फंदों से मैंने इसे बनाया है। ऊपर देखिए, इसे मैंने इस तरह घटाया है कि ये खूबसूरत सा फूल की तरह ये डिज़ाइन आ गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने 84 फंदे डाले और 16 लाइन उल्टा उल्टा बुना, जिससे 2, 4, 6 और 8 उल्टी धारियां सामने से और 8 लाइन पीछे से आ गई हैं। उसके बाद मैंने 9 लाइन प्लेन बुना, यानी आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे, और 10वीं लाइन से मैंने दूसरा कलर अटैच किया, यानी रॉन्ग साइड से मैंने दूसरा कलर अटैच किया। तो चलिए देखते हैं कि ये डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया। 9th रो कंप्लीट करने के बाद रॉन्ग साइड से 10वीं लाइन में मैंने दूसरा कलर अटैच किया और सभी फंदों को दूसरे कलर के ऊन से उल्टा बुन लिया। तो सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए दूसरे कलर के ऊन से ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाएंगे सामने की तरफ से। तो 7 फंदा हम सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और इन्हीं 14 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है और रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। जो फंदे सीधे हैं उनको भी उल्टा और जो फंदे उल्टे हैं उनको भी उल्टा। रॉन्ग साइड से हमें सभी फंदों को उल्टा ही बुनना है। डिज़ाइन सिर्फ सामने की तरफ से डलेगा। अब हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं, तो 7 फंदा हम सीधा बुनेंगे, 4, 5, 6 और 7 और उन अपनी ओर 7 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। डिज़ाइन बेहद आसान है और बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। 7 फंदा सीधा और 7 फंदा उल्टा। देखिए, ये हमारी 2 धारियां सामने से आ चुकी हैं। पीछे से हमें सभी फंदों को उल्टा बुनना है। इन्हीं दोनों लाइनों को हमें 5 बार दोहराना है, यानी पीछे से सभी फंदे उल्टे और सामने से 7 फंदा सीधा और 7 फंदा उल्टा, 7 फंदा सीधा और 7 फंदा उल्टा। इन्हीं 14 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। देखिए, ये हमारा 6ठा लाइन कंप्लीट होने जा रहा है। इसी तरह हम 10 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो 10 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं दोनों लाइनों को दोहराते हुए मैंने 10 लाइन कंप्लीट कर लिया है, जिससे 5 उल्टे फंदों की धारी आ गई है और हम रॉन्ग साइड में हैं। तो अब हम अपने पहले कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए मैंने लाइन कंप्लीट कर लिया है और अब हम सामने की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे हम अपना पैटर्न चेंज कर लेंगे। अब देखिए, पिछले लाइन में हमने 7 फंदा सीधा और 7 फंदा उल्टा बनाया था। अब की 7 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, यानी जहाँ सीधा बुना था वहाँ उल्टा और जहाँ उल्टा बुना था वहाँ सीधा बुनेंगे। तो ये 5 फंदा हो गया, 6, 7, 7 फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर 7 फंदा सीधा। देखिए, जहाँ उल्टा बना था वहाँ हमें सीधा बुनना है।
तो इन्हीं 14 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, इन्हीं 14 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे और सामने की तरफ से 7 फंदा उल्टा, फिर 7 फंदा सीधा। इन्हीं 14 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है और हमें 10 लाइन कंप्लीट करना है। तो देखिए, हमने पहले कलर दूसरे कलर के ऊन से 10 लाइन बुना, फिर पहले कलर के ऊन से 10 लाइन, फिर दूसरे कलर के ऊन से 10 लाइन। तो ये 3 स्ट्रिप हमने बना लिया है। उसके बाद हमने देखिए 2, 4, 6, 8 और 9 लाइन हमने पहले कलर के ऊन से बुना है। 3 डिज़ाइन बनाने के बाद हमने पहले कलर के ऊन से 9 लाइन बुना है और अब 10वें लाइन में हम इसे क्लोज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम कैसे क्लोज करेंगे। तो हम 5 फंदा सीधा बुनेंगे, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर 4 फंदा सीधा, तो ये टोटल हो गए 5 फंदे। 2 और 3 5 फंदा बुनने के बाद 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का है, फिर 5 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का है, फिर 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 फिर 2 का है, फिर 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 फिर 2 का है। इसी तरह बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फिर देखिए लास्ट में 7 फंदे बचे हैं, तो 5 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 फिर 2 का एक। रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे, रॉन्ग साइड में हमें कोई फंदे नहीं घटाने हैं, रॉन्ग साइड में हम सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं, तो अब हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3 तो ये हो गए 4 फंदे। 4 फंदा बुनने के बाद हम 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक, फिर 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 फिर देखिए यहाँ पे हमने घटाया था, इन दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक, फिर 4 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4 फिर 2 का एक, फिर 4 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4 फिर 2 का एक। इसी तरह 4 फंदा सीधा, फिर 2 का एक, फिर 4 फंदा सीधा, फिर 2 का एक। इसी तरह बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं, तो अब की हम 3 फंदा बुनेंगे, पहला फंदा स्लिप किया, फिर 2, 3 3 फंदा सीधा बुनने के बाद हम फिर 2 फंदों को एक साथ लेके 2 का एक करेंगे,
फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर दो का एक, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर दो का एक, इसी तरह तीन फंदा सीधा, फिर दो का एक, फिर तीन फंदा सीधा, फिर दो का एक बुनते हुए हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक, फिर दो फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर दो का एक, तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और रॉन्ग साइड से हम सभी फंदा उल्टा बुनेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ आ गए तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर दो का एक, एक फंदा सीधा, फिर दो का एक, इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं और फिर दो दो फंदों को हम एक साथ लेते जाएंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। नेक्स्ट दो फंदों को एक साथ लिया, सीधा बुनते हुए दो का एक, फिर दो फंदों को एक साथ लिया, सीधा बुनते हुए दो का एक, दो फंदों को एक साथ लिया, सीधा बुनते हुए दो का एक। देखिए ये हमको दिखाई दे रहा है, ये लाइन देखिए आ रहा है, इन्हीं दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। दो फंदों को एक साथ लिया, सीधा बुनते हुए दो का एक, इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। फिर हम सामने की तरफ आ गए तो फिर हम दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक। तो हमारे पास छः फंदे रह गए। अब इन छः फंदों को हम, इस धागे को हम थोड़ा लंबा काट लेंगे क्योंकि अब हमें इससे सिलाई करनी है, तो धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे। और इसे हम सुई में डाल लेंगे। अब इन छः फंदों में हम इस धागे को ऐसे सुई को पे इन छह फंदों को उतार लेंगे और धागे को ऐसे खींच लेंगे। और हम एक बार फिर इन सभी फंदों में से ऐसे सुई को निकाल लेंगे। अब देखिए ये हमारा ऐसे फूल की तरह ये बन गया है। अब हम इसको चाहे तो सीधे की तरफ से, चाहे तो उल्टे की तरफ से, अब हमें इसे सिलाई करना है जैसे आपको सुविधा हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्यारी सी टोपी बनके तैयार है। आशा है आपको पसंद आई होगी। देखिए ये ऊपर से देखिए इसका कितना खूबसूरत सा, देखिए ऊपर से ये ऐसा दिखाई दे रहा है, सुंदर सा फूलनुमा ये बन के तैयार हुआ है।
तो आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।